साल 2002 में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म राज ने सफलता के नए कीर्तिमान बनाए थे और फिल्मी जगत में बिपाशा बसु जैसी प्रतिभाशाली अभिनेत्री का करियर भी स्थापित कर दिया था। इस फिल्म में बिपाशा के अलावा भूतनी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री मालिनी शर्मा के काम को खूब पसंद किया गया था। बॉक्स ऑफिस द्वारा ब्लॉकबस्टर घोषित होने वाली फिल्म राज के गाने भी उस समय बहुत लोकप्रिय हुआ करते थे। आपको बता दें कि इस फिल्म के लिए मालिनी शर्मा को जी सिने अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू मिला था, जिससे साबित होता है उनका अभिनय वाकई दमदार माना गया था। मालिनी को जहां फिल्मी करियर में तो सफलता मिली, पर उनका निजी जीवन बेहद उतार चढ़ाव से भरा रहा। फिल्म राज में अभिनय करने से पहले साल 1997 में फिल्म अभिनेता प्रियांशु चैटर्जी से शादी की थी, पर यह शादी ज्यादा दिन नहीं चल पाई और साल 2001 में मालिनी शर्मा का तलाक हो गया था। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में करियर पर फोकस किया। फिल्म राज के बाद उन्होंने कई हिंदी फिल्में में काम किया, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। उन्होंने कुछ म्यूजिक वीडियोस में भी काम किया, जिसमें उन्हें काफी पसंद किया गया। मालिनी शर्मा गायक मीका सिंह के गाने सावन में लग गई आग, क्या सूरत है और कितनी अकेली मैं जैसी लोकप्रिय म्यूजिकल वीडियो में अभिनय कर चुकी है। मालिनी शर्मा ने टेलीविजन सीरियल हम दोनों ने भी अपना अभिनय का जलवा दिखाया, पर ज्यादा दिन वो यहाँ भी नहीं टिक पाई। इसके बाद बॉलीवुड में खास तवज्जो ना मिलने के कारण उन्होंने मॉडलिंग में अपना करियर बनाया और एक सफल मॉडल बनी। आज ये बॉलीवुड से दूर है, पर सबसे खूबसूरत भूतों का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री में इनका नाम जरूर लिया जाता है। फिल्मी अड्डा से रीता की रिपोर्ट।